हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एक वूकॉमर्स के वन ऑफ द बेस्ट अफिलिएट प्लगइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस प्लगइन में बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट की सेल कई गुना बढ़ा सकते हो। साथ में फ्रेंड्स, इस अफिलिएट प्लगइन में आपको एक MLM का भी फंक्शन मिल जाता है एंड ये प्लगइन वूकॉमर्स के साथ बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए अब हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ से हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे चलेंगे। फ्रेंड्स, हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें स्क्रॉल डाउन करना है एंड प्लगइन्स में एड न्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हमें प्लगइन फाइल को चूज करके इंस्टॉल करना है, लेकिन उससे पहले हमें प्लगइन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो प्लगइन डाउनलोड करने के लिए हमें सिंपली गूगल पे सर्च करना है मकाज MAKAZ। मकाज सर्च करने पे आपको जो फर्स्ट लिंक शो होगा मकाज डॉट इन, उसको आपको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पे आपको वर्डप्रेस के बहुत सारे प्रीमियम प्लगइन्स एंड थीम्स बहुत ही कम रेट पे मिल जाते हैं। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे एलिमेंटर प्रो आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिल रहा है। इसके अलावा आपको बहुत सारे दूसरे थीम्स एंड प्लगइन्स भी बहुत ही कम रेट पे मिलते हैं। मीन्स कि आप यहाँ से कोई भी थीम को सिर्फ 199 रुपीज में ही डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में जिस थीम का यूज कर रहा हूँ वो वुडमार्क थीम है। आप देख सकते हैं इस वुडमार्क थीम का भी प्राइस सिर्फ 199 है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने प्लगइन को डाउनलोड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में ही जब आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे, तो आपको यहाँ पे अफिलिएट फॉर वू कॉमर्स ये प्लगइन शो होगा एंड इस प्लगइन का प्राइस सिर्फ 299 रुपीज है। तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए अब हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको चूज फाइल पे सेलेक्ट करना है एंड इसके बाद आपने जो प्लगइन डाउनलोड किया हुआ है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड ओपन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, इस प्लगइन को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया है और इसे अब हम एक्टिवेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्लगइन जो है एक्टिवेट हो गया है। आप यहां से इसको डायरेक्ट सेटिंग्स यहां से कर सकते हैं इसकी। आप बाकी आपको यहाँ पे इसके क्विक लिंक्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपको किस तरीके से अफिलिएट ऐड करना है, दूसरे इसके डॉक्यूमेंटेशन, FAQs और दूसरी चीजें भी आपको यहाँ पे इसकी मिल जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। वैसे तो जब आप प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग करने का ऑप्शन मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी आप यहाँ पे वूकॉमर्स में सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हो एंड वू कॉमर्स के अंदर ही आपको यहाँ पे लास्ट में अफिलेट का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अफिलेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे शॉर्ट कोड भी मिलता है। इस शॉर्ट कोड का यूज करके आप अपने अफिलेट के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एडिट फॉर्म का एक ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने अफिलेट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे एडिट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम है और यहाँ पे फोन नंबर स्काइप आईडी वगैरह। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ सिर्फ फोन नंबर, तो ये बाकी की चीजें मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये वेबसाइट का ऑप्शन मेरे को नहीं चाहिए। बाकी ये पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड बाकी ये एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्राम, ये बाकी जो है ये जो इसको आप अनचेक नहीं कर सकते, मीन्स कि वो कंपल्सरी है। तो बाकी इसको मेरे को ये वेबसाइट नहीं चाहिए था। बाकी जो ये फोन नंबर, इसको थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है और इसे हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये हमारा जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कस्टमाइज हो गया है। तो अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है अप्रूव्ड मेथड। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि जो भी आपकी वेबसाइट में कोई अफिलेट के लिए रजिस्ट्रेशन करे, तो या तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो आप उसको मैन्युअली अप्रूव करो उसकी जो भी यूजर आईडी वगैरह देख करके, या फिर आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाए,
तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए ये चाहता हूँ कि जो भी रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट में वो ऑटोमेटिकली ही अप्रूव हो जाए, तो मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर दिया है। और बाकी उसके बाद जो अफिलिएट जो बनेंगे उसका जो यूजर रोल क्या होगा वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं इसके अभी के लिए बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। एंड जो ये है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखना, रेफरल कमीशन। तो यहाँ से आप जो है रेफरल कमीशन सेट कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपको अफिलिएट की कमीशन सेट करनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे आप यहाँ भी परसेंटेज की जगह फिक्स अमाउंट भी सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए परसेंटेज सेट कर देता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे 30% सेट कर देता हूँ, मीन्स कि कोई भी मेरी वेबसाइट में किसी को भी रेफर करता है तो उसको 30% का कमीशन मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे MLM में होता है लेवल वाइज इनकम, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे दो लेवल और क्रिएट कर देता हूँ। दो लेवल क्रिएट करने का मतलब है आपको यहाँ पे तीन डालना। इसको तीन डालने का जो रीजन है ये है कि जो फर्स्ट लेवल होगा ये होगा आपका जो डायरेक्ट कमीशन है, जो लेट सपोज मैं हूँ, मैं किसी को रेफर करता हूँ, जो 30% कमीशन जो डायरेक्ट कमीशन है वो फर्स्ट लेवल में काउंट हो जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड लेवल की इनकम है, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे सेकंड लेवल में दू 20%, मीन्स मैं जिसको रेफर करता हूँ अगर वो किसी और को रेफर करे तो पहले लेवल वाले को 30% और सेकंड लेवल वाले को 20% कमीशन मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे 20% डाल दिया है। और उसके बाद भी मैं एक और लेवल क्रिएट करना चाहता हूँ, उसमें मैं 10% देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कितने भी लेवल्स क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो कमीशन भी सेट कर दिया है, इसके बाद हम यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एड अप प्लान में क्लिक करके दूसरे और भी प्लान्स जो है क्रिएट कर सकते हो। मैंने अभी बाय डिफॉल्ट जो कमीशन प्लान है वही एडिट कर दिया है। तो चलिए अब हम दोबारा से सेटिंग्स पे चलते हैं। अब फ्रेंड, जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स का, अगर आप चाहते हो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आप कमीशन वगैरह नहीं देना चाहते हो तो उन प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अफिलिएट टैग्स का ऑप्शन है, तो ये भी आप यहाँ पे अपने अफिलिएट्स के लिए टैग वगैरह क्रिएट कर सकते हो। मैं इसे अभी बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। जो यहाँ पे है ट्रैकिंग परम नेम है, मीन्स जो आपका लिंक क्रिएट होगा उसमें जो ट्रैकिंग के लिए जो यूज होगा वो क्या होगा। जैसे यहाँ पे रेफ है तो रेफरल है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस लिंक में रेफ है जो कि रेफरल के लिए यूज हो रहा है। बाकी आप इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये ज्यादा हमें चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो इसे भी मैं बाय डिफॉल्ट देता हूँ। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये है पर्सनलाइज अफिलिएट आइडेंटिफायर का। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि जो यूजर है अपनी आईडी वगैरह चेंज कर सके खुद की, तो आप इसे अलाउ कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो तो इसको आप अनचेक भी कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसे भी बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। और ये उसके बाद फ्रेंड्स, जो यहाँ पे है ये कूपन फॉर रेफरल्स का, ये बहुत यूजफुल है फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जैसे कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं जो किसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, या फिर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है वो किसी भी प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करता है तो वो आपको एक कूपन कोड देता है। ओके, तो उस कूपन कोड में क्या होता है, जब आप उस कूपन कोड का यूज करते हो तो उसमें कुछ आपको डिस्काउंट मिलता है, साथ ही उस कूपन कोड का यूज करके जो इन्फ्लुएंसर होता है उसको भी कुछ कमीशन मिलता है। तो ये सेम वही फंक्शन है, इसमें क्या होगा, जो आपके अफिलिएट्स होंगे उनको आप कूपन कोड प्रोवाइड करोगे। आप सेपरेटली अपने हर एक अफिलिएट को एक कूपन कोड प्रोवाइड कर सकते हो जो वो अपने कम्युनिटी में शेयर करेंगे और ये सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, जिसका यूज करके जो यूजर्स को है कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ ही जो आपके एफिलिएट हैं उनको भी कमीशन मिल जाएगा, और ये जो आपकी सेल को बहुत ज्यादा ही इंक्रीज करेगा। तो आगे मैं वीडियो में आपको समझाऊंगा कि टोटल किस तरीके से वर्क करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है कुकी ड्यूरेशन का है, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जो कुकीज वगैरह है, जो रेफरल लिंक की कुकीज है, वो कितने टाइम तक आपके यूजर के ब्राउजर में सेव होंगी, तो ये भी मैं अभी बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। बाकी जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अफिलिएट सेल्फ रेफरल, मींस अगर अफिलिएट चाहे तो अपने आप को रेफर करके भी इनकम कर सकते हैं, तो ये भी मैं अभी बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड, जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है अफिलिएट मैनेजर ईमेल, मींस अगर आपके जो अफिलिएट हैं उनको किसी से कॉन्टेक्ट करना है तो वो ईमेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इस ईमेल पे ही आपके जो एफिलिएट्स वगैरह हैं, आपके कंपनी के जो मैनेजर वगैरह हैं, जो भी आप जिनको भी अपॉइंट करोगे या फिर आप खुद भी अगर वर्क करते हो तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन है पे आउट बाय पेपैल, अगर आप चाहते हो कि जो आपके यूजर्स हैं उनको पेपैल का यूज करके आप उनको पे आउट दो, तो ये आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, क्योंकि पेपैल का जो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट भी नहीं है मेरी वेबसाइट में, तो ये अभी वर्क वैसे भी नहीं करेगा।
तो इसको मैं अब यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। बेसिकली हमने अपने वेबसाइट के जो एफिलिएट सिस्टम है उसका जो है सेटअप कर दिया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे WooCommerce में एफिलिएट्स का एक ऑप्शन शो होगा, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। ये बेसिकली आपका डैशबोर्ड होगा, एडमिन डैशबोर्ड, जहाँ से आप सभी चीजें देख सकते हो। तो अभी के लिए हमारी वेबसाइट में कोई भी एफिलिएट नहीं है, तो यहाँ पे हमें कुछ शो नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर देता हूँ जिसके रेफरल लिंक का हम यूज करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि सब कुछ किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ, अपना नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे अमित, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ amit@gmail.com। जीमेल की मैंने स्पेलिंग गलत डाल दी, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना नाम अमित, और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना सेकंड नेम, अपना लास्ट नेम। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं इस पासवर्ड को जो कॉपी कर लेता हूँ, और नोटिफिकेशन वगैरह नहीं चाहिए, सब्सक्राइबर ठीक है, ऐड न्यू यूज़र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक यूज़र क्रिएट कर दिया है अमित नाम से। तो चलिए मैं अब अपनी वेबसाइट को एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट को एडिट कर देता हूँ, मीन्स उसका प्राइस जो 100 रुपीज़ कर देता हूँ, ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि कमीशन जो जो कमीशन का सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो जो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, मैं इसको ही एडिट करके इसका प्राइस जो है 100 रुपीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, और इसका प्राइस हम कर देते हैं 100 रुपीज़, और इसको यहाँ पे हम कर देंगे अपडेट। तो अब हम अपनी वेबसाइट को एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अपनी वेबसाइट न्यू टैब में ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे हमें WooCommerce का लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, और पासवर्ड डाल देंगे और लॉगिन कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा माई अकाउंट ओपन हो गया है WooCommerce का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर एज एन अफिलेट का ऑप्शन है। यहाँ पे भी एक रजिस्टर एज एन अफिलेट का ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये अफिलेट बनने के लिए हमें जो हमने वहाँ पे डाला था कि जो एक फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है थोड़ा डालना पड़ेगा कि भाई आप जो आप किस तरीके से अफिलेट वगैरह बनना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे टाइप कर देते हैं। नेक्स्ट हम यह टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सिंपली अब इतना ही आपके यूजर्स को करना है। तो अब मैं यहाँ पे जब इसे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, पे आप देख सकते हो ये अफिलेट का जो यूजर डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पे आपका जो अफिलेट है उसकी ग्रोस अर्निंग वगैरह, जो रिफंड वगैरह, और जो उसकी नेट कमीशन है, उसने टोटल कितना सेल किया, और उसके जो कन्वर्ट कितने हुए, उसने जो लिंक शेयर किया, या जो उसने कूपन कोड दिया उससे कितने विजिटर्स वगैरह आए, वो सारी डिटेल्स आपका जो यूजर्स है यहाँ पे देख सकता है। और उसने कब किस बाकी जो उसने जो रेफर किया उससे जो ऑर्डर हुआ है, वो उस ऑर्डर की डिटेल्स वगैरह और पे आउट हिस्ट्री वगैरह भी यहाँ से आपका यूजर जो है माई अकाउंट से ही देख पाएगा, WooCommerce का जो माई अकाउंट होता है उससे ही। नेक्स्ट यहाँ पे उसी में अफिलेट में प्रोफाइल का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से जो आपका जो अफिलेट है अपने प्रोफाइल को एडिट कर पाएगा, साथ ही यहीं से रेफर लिंक भी उसको मिल जाता है। तो बाकी जो यहाँ से वो अपना कस्टम रेफर लिंक भी क्रिएट कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे सब कुछ करके दिखाता हूँ। तो लेट सपोज ये जो हमारा है रेफर लिंक है, तो इस रेफर लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और एक न्यू विंडो खोल लूँगा इनकॉग्निटो मोड पे। तो यहाँ से मैं इनकॉग्निटो मोड पे एक न्यू विंडो खोल लेता हूँ, इस रेफर लिंक का मैं यूज़ करता हूँ। अब मैं इस रेफर लिंक का यूज़ करके प्रोडक्ट को परचेज करूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है, तो अब यहाँ पे हम शॉप पे क्लिक करेंगे और उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे जिसका प्राइस हमने 100 रुपीज़ किया था। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ये देखिए ये प्रोडक्ट है, इसका प्राइस 100 रुपीज़ है। तो इसे मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, चेकआउट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना नाम वगैरह डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे सोनू नाम डाल देता हूँ, सोनू कुमार। बाकी यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे डमी डिटेल्स डाल देते हैं, सिटी वगैरह भी हम यहाँ पे कुछ ऐसे डाल देते हैं, स्टेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं,
और पिन कोड भी हम डाल देंगे, फोन नंबर, तो यहाँ पे हम ईमेल डाल, अब यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, @ sonu@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम डाल देंगे सोनू, पासवर्ड डाल देते हैं हम यहाँ पे, कुछ भी डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। तो हमारे रेफर लिंक से सोनू ने ये प्रोडक्ट परचेज किया है जिसका प्राइस 100 रुपीज है। तो चलिए अब मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ जिसका रेफर लिंक हमने यूज किया था, और यहाँ पे हम रिपोर्ट्स पे जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 30 रुपीज का जो कमीशन यहाँ पे शो हो रहा है, देख सकते हैं आप, ग्रोस कमीशन 30 रुपीज, 1 विजिटर, टोटल जो सेल हुई है 100 रुपीज की सेल हुई है, और यहाँ पे जो यूजर की डिटेल भी शो हो रही है जिसने प्रोडक्ट परचेज किया है, ऑर्डर नंबर, डेट और जो कस्टमर है, और जो कमीशन 30 रुपीज है, और पे आउट स्टेटस अभी रेड में है, यानी पे आउट जो है इस कमीशन का नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें 30 रुपीज इसलिए शो हो रहा है क्योंकि जो मैंने वहाँ पे रेफरल कमीशन डाला था वो 30% डाला था, और जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है वो 100 रुपीज है। तो यानी 100 रुपीज का 30% यानी 30 रुपए यहाँ पे कमीशन मिल गया है। तो चलिए अब मैं आपको इसका डैशबोर्ड भी दिखाता हूँ एडमिन का, वहां पे हमें क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम वूकॉमर्स में जाएंगे, एफिलिएट्स पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एडमिन में भी डिटेल्स वगैरह शो हो रही हैं। जो अमित शर्मा है उन्होंने 100 रुपीज का जो है रेफर किया है, और जो उनका ग्रोस कमीशन है 30 रुपीज, यानी 100 रुपीज का 30% यहाँ पे हमें शो हो रहा है। और यहाँ से आप अगर आप चाहो तो उनका कमीशन वगैरह भी अनपेड या पेड कर सकते हो। लेट सपोज जो ये जो रेफर है इसका कमीशन हमने यहाँ पे जो है अमित शर्मा को पे कर दिया, तो इसको मार्क एज हम पेड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है जैसे मार्क एज रिजेक्ट, अगर आप चाहते हो कमीशन वगैरह नहीं देना तो रिजेक्ट कर सकते हो, अनपेड कर सकते हो, या अभी यहाँ पे हमने मार्क एज पेड सेलेक्ट कर लिया है और इसे अपडेट कर देंगे। अगर आप अपने जो आपके एफिलिएट है उनको पेमेंट कर दोगे उसके बाद आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसे मार्क एज पेड अपडेट कर दिया है, तो अब हम अपने यूजर डैशबोर्ड पे चलेंगे और यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो पहले अनपेड शो हो रहा था, अब यहाँ पे हमें 30 रुपीज पेड शो होने लग गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ जो MLM में होता है मल्टी लेवल, वो इसमें किस तरीके से वर्क करता है। आपको याद होगा मैंने जो सेकंड लेवल पे जो कमीशन डाली थी वो 20% डाली थी। तो अब मैं जो ये सोनू है इनका अकाउंट यहाँ से ओपन करता हूँ, इनका रेफर लिंक कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे माई अकाउंट को ओपन करूंगा मैं, और यहाँ पे रजिस्टर है एज एन एफिलिएट, सोनू को भी रजिस्टर कर देंगे एज एन एफिलिएट ताकि वो किसी और को रेफर करे और कमीशन वगैरह अर्न कर सके। तो यहाँ पे मैं फोन नंबर डाल देता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे जो टेल अस अबाउट योर सेल्फ वगैरह है यहाँ पे मैं कुछ ऐसे डाल देता हूँ, और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं हम एंड सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे सोनू भी जो है हमारा एफिलिएट बन गया है, और दोबारा से हम यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, और ये यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे सोनू की प्रोफाइल में, और इसका जो ये रेफर लिंक है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इस इनकॉग्निटो विंडो को क्लोज कर देंगे और एक और इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको लिंक पेस्ट कर देंगे, लिंक से वेबसाइट ओपन हो गई है। तो शॉप में हम दोबारा चलते हैं, और दोबारा से हम उसी 100 रुपीज के प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो इसको हम एड टू कार्ट कर लेते हैं, चेकआउट पे क्लिक करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो मोनू प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो यहाँ पे हमने मोनू डाल दिया, मोनू कुमार
तो चेकआउट डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर देते हैं दोबारा से। यहाँ पे हम कुछ भी डमी डमी डिटेल्स, तो यहाँ पे हम कुछ भी डमी डिटेल्स डाल देंगे, सिटी पिन कोड डाल देते हैं यहाँ पे दोबारा से, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस डाल देंगे monu@gmail.com, यूजर नेम डाल देते हैं मोनू, पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे मोनू ने भी जो है ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो अब चलिए हम यूजर डैशबोर्ड पे चलते हैं, इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। ये अमित शर्मा का जो यूजर डैशबोर्ड है, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ग्रोस कमीशन है अब हमें यहाँ पे 50 रुपीज शो हो रहा है। और ये भी देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे 30 रुपीज जो हमने पहले पेड किया था, और जो अनपेड कमीशन है यहाँ पे 20 रुपीज शो हो रहा है। मीन्स जो हमने सेकंड लेवल की कमीशन है, आपको याद होगा हमने वहाँ पे 20% डाला था, यानी जब रेफरल ने 100 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज किया, तो यहाँ पे जो ये अमित शर्मा का अकाउंट है जो फर्स्ट लेवल पे है, उनको 20 रुपीज का कमीशन यानी 20% कमीशन मिल गया। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे भी शो हो रहा है कि जो ये मोनू कुमार है, जो उससे अमित शर्मा को 20 रुपीज का कमीशन मिला है, और ये रेड शो हो रहा है क्योंकि ये अभी अनपेड है। और ये जो सोनू कुमार है, उसका 30 रुपीज जो फर्स्ट लेवल से कमीशन था, वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। उसी तरीके से जो मोनू कुमार है, किसी को रेफर करता है, तो यहाँ पे अमित को 10% का कमीशन मिलेगा, जो हमने थर्ड लेवल पे सेट किया था। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरीके से जो कमीशन सिस्टम इसमें वर्क करता है। एंड आपके जो यहाँ पे रेफरल्स हैं, वो ये भी देख सकते हैं जो टोटल उनकी टीम है कितने रुपए की उन्होंने सेल करी है। और चलिए मैं आपको इसका एडमिन डैशबोर्ड दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या हमें शो होता है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एडमिन को भी यहाँ पे 50 रुपीज जो अमित का कमीशन यहाँ पे शो हो रहा है, और जो सोनू कुमार है जिसने मोनू को रेफर किया था, और मोनू ने जो 100 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज किया था, उसका 30% सोनू कुमार को मिल गया है। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरीके से आप MLM का सेटअप भी अब इस अफिलिएट प्लगइन का यूज करके कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि कूपन कोड का यूज करके किस तरीके से आपके जो अफिलिएट है किसी को भी रेफर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने अफिलिएट्स के लिए कूपन कोड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग में कूपन का ऑप्शन शो होगा, तो इसमें हम कूपन्स पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें कूपन क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम अपने अफिलिएट्स के लिए कूपन क्रिएट कर सकते हैं, या आप चाहो तो रैंडमली भी कोई भी कूपन कोड क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ कूपन कोड। यहाँ पे मैं अमित के लिए कूपन कोड क्रिएट करूंगा, तो मैं यहाँ पे कूपन कोड का नाम डाल देता हूँ अमित 20। तो यहाँ पे मैं कूपन कोड की दूसरी डिटेल क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं डिस्काउंट दूंगा इस कूपन कोड का यूज करने पे यूजर्स को, वो परसेंटेज में दूंगा। आप चाहो तो फिक्स कार्ड डिस्काउंट भी रख सकते हो, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज डाल देता हूँ, और जो परसेंटेज होगा 20% होगा। उसके अलावा ये अलाव फ्री शिपिंग, ये सब भी आप कर सकते हो। कूपन के एक्सपायरी डेट वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हो कि किस टाइम के बाद जो ये कूपन जो एक्सपायर हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालूंगा, और यहाँ पे आपको शो एक ऑप्शन शो हो रहा है असाइन टू अफिलेट। अब यहाँ पे आपको इस कूपन कोड को असाइन करना है जिस भी अफिलेट के लिए आप इसको क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि मैं इसे अमित के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अमित को इस कूपन कोड को असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अमित का नाम डालता हूँ, तो ये अमित का नाम हमें यहाँ पे शो होने लग गया, तो इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर्स रिस्ट्रिक्शन वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आपने अगर पहले भी WooCommerce में कूपन कोड क्रिएट किया, तो ये बिल्कुल सेम वही है, बस इसमें आप जो इस कूपन कोड को एक पर्टिकुलर अफिलेट को असाइन कर रहे हो। और यहाँ से आप यूज लिमिट्स वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो। तो इन सभी को अभी के लिए मैं बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ, तो इसको यहाँ पे मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब हम अमित के डैशबोर्ड पे चलते हैं। मैं यहाँ पे इसके प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ।
तो इसके प्रोफाइल पे जब हम स्क्रोल डाउन करेंगे तो ये देख सकते हो कूपन कोड जो हमने अमित को असाइन किया था, अमित 20 और 20%। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपका जो अफिलिएट है जितने परसेंट का जो अपने कस्टमर को कूपन कोड देगा उतना ही परसेंट उसके कमीशन से भी डिडक्ट होगा। लेट सपोज कि यहाँ पे अमित ने जो 20% का कूपन कोड अपने यूजर्स को डिस्काउंट दे रहा है, तो मींस कि अगर कोई यूजर 100 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको सिर्फ 80 रुपीज पे करने होंगे। और इसके साथ ही जो अमित का कमीशन है 30%, उसका भी 20% डिडक्ट होगा। तो यानी अमित को जो 30% कमीशन मिल रहा था, यानी 100 रुपीज का 30 रुपीज, तो अब उसके कमीशन से भी 20% डिडक्ट हो जाएगा। यानी उसको 100 रुपीज के प्रोडक्ट में 30 रुपीज कमीशन मिल रहा है, तो अगर इस कूपन कोड से कोई भी आप यूजर जो प्रोडक्ट परचेज करेगा तो अमित को 30 की जगह 24 रुपीज ही मिलेंगे, उसके 30% में से 20% डिडक्ट हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं एक विंडो और खोल लेता हूँ इनकॉग्निटो मोड पे। और यहाँ पे मैं विदाउट किसी लिंक का यूज करे सिंपल अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हम शॉप पे जाएंगे और दोबारा से मैं उस 100 रुपीज के प्रोडक्ट को परचेज करता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ, चेकआउट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि कूपन कोड को अप्लाई करने का हमें ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एंटर योर कोड पे क्लिक करता हूँ। जो अमित का कूपन कोड था वो मैं यहाँ पे डालता हूँ, अमित 20। तो इसे अभी से हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो कूपन कोड अप्लाई हो गया सक्सेसफुली। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कूपन कोड है अमित 20 अप्लाई हो गया है और जो 20 रुपीज है डिडक्ट हो गए हैं, और अब यूजर को सिर्फ 80 रुपीज ही पे करना है। और तो यहाँ पे जो मैं यूजर आईडी वगैरह भी डाल देता हूँ, मे बी ये ऑलरेडी लॉग इन है, कोई इशू नहीं है, मैं मोनू के अकाउंट से ही इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये ऑर्डर अप्लाई हो गया है। अब हम अमित का यूजर डैशबोर्ड देखेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ जो अब ग्रोस कमीशन है वो 74 रुपीज है। और जब मैं यहाँ पे स्क्रोल डाउन करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो मोनू कुमार का कमीशन है वो 24 रुपीज मिला है। ये 24 रुपीज इसलिए मिला है क्योंकि अमित ने 20% का डिस्काउंट दिया था अपने यूजर्स को, और जब वो जितने परसेंट का वो डिस्काउंट देता है तो उतना ही परसेंटेज उसके कमीशन से भी डिडक्ट होता है। और साथ में आपको मैं यहाँ पे डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम वूकॉमर्स में जाएंगे एंड अफिलिएट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी शो रहा है अमित को 24 रुपीज का कमीशन मिला है, मोनू कुमार ने प्रोडक्ट परचेज किया है, और जो मीडियम है वो कूपन है। यानी कूपन का यूज करके मोनू कुमार ने प्रोडक्ट परचेज किया है जिसका कमीशन अमित को 24 रुपीज मिला है। जो मोनू कुमार ने जो प्रोडक्ट परचेज किया है उसका जो प्राइस था वो 80 रुपीज है, क्योंकि कूपन का यूज करके मोनू कुमार को यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिला है और कूपन कोड था अमित का। यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे भी देख सकते हो जो अमित ने टोटल सेल करी है, यानी अमित का जो टोटल रेवेन्यू है वो 280 रुपीज का है, और उसका जो टोटल कमीशन बना है वो 74 रुपीज बना है, जिसमें से जो 30 रुपीज है वो ऑलरेडी उसे यहाँ से पेड हो चुके हैं। तो देखा फ्रेंड्स, ये कितना इजी है ये रेफरल सिस्टम, और कितने इजी तरीके से अपने वू कॉमर्स में आप इस प्लगइन का यूज करके रेफरल सिस्टम क्रिएट कर सकते हो और अपने ई कॉमर्स वेबसाइट की सेल आप कई गुना बढ़ा सकते हो इससे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।